आज मैं आप सबको एक ऐसे मंदिर लेकर जाने वाला हूँ जिसकी स्थापना सन 1298 BC यानी 725 साल पहले हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के सिरोही में स्थित शानेश्वर महादेव मंदिर की। शानेश्वर महादेव मंदिर में कई लोग रोजाना दर्शन करने आते हैं, पर इस मंदिर के पूरे इतिहास और मंदिर की कुछ रोचक बातों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल महादेव मंदिर को तोड़कर शिवलिंग को गाय की खाल में बांधकर सिरोही के रास्ते से लेकर जा रहा। तब यहां के महाराजा ने उसे युद्ध में हरा कर शिरवना की पहाड़ी में शिवलिंग को स्थापित कर शानेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में 12 शिवलिंग स्थापित, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं और देवताओं के कुल देवी के भी मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के पीछे बना है गोकुंड, जिसमें पानी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। इसका पानी साल के 12 महीने बहता रहता है, लेकिन पानी का लेवल हमेशा एक जैसा रहता है और पानी का लेवल कभी कम नहीं होता। इस मंदिर को हासिल करने जब अलाउद्दीन खिलजी फिर से आया, तब वो कोड़े की बीमारी से जूझ रहा था। मंदिर के कुंड में नहाने से उसकी कोड़े की बीमारियाँ दूर हो गई, और जब मंदिर को हासिल करना चाहा तो देवासी समाज ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को पत्थर मार कर हरा कर इस मंदिर को हासिल करने नहीं दिया।